हेलो बच्चों, आज हम चौथी कक्षा में झरोखा विषय में पाठ नंबर 14 रहे साथ साथ के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको उत्तर भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ, ड्रोन क्या है, ड्रोन किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है नर मक्खी, दूसरा मादा मक्खी, तीसरा रानी मक्खी, चौथा डिब्बा। तो ड्रोन जो है वो हम नर मक्खी को कहते हैं। किसको कहते हैं? नर मक्खी को कहते हैं। तो इस पर हम टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 2 है, कौन से जीव के परागण से फसल की पैदावार अधिक होती है। कौन सा जीव है? मधुमक्खी, चींटी, नीलगाय, हाथी। वो है मधुमक्खी। मधुमक्खी से फसल की पैदावार बहुत अधिक होती है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है, मधुमक्खी पालन के डिब्बों के पायों के नीचे पानी की प्याली रखने का क्या उद्देश्य है आपका। तो पहला शहद ज्यादा बने, दूसरा चींटियां पानी पीती रहें, तीसरा शहद ना बिखरे, चौथा चींटियां डिब्बे के अंदर ना जा सकें। तो जब मधुमक्खी का व्यापार किया जाता है तो किसान क्या करते हैं, जो डिब्बे होते हैं उनके नीचे की तरफ पायों की तरफ पानी की प्याली रख देते हैं, ताकि जो चींटियाँ हैं, क्योंकि चींटियों की सूंघने की पावर बहुत फास्ट होती है, तेज होती है, वो खुशबू सूंघ के अंदर ना चली जाए, डिब्बे के अंदर ना जा सके। तो हम इस चौथे ऑप्शन पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे, क्योंकि चींटियाँ अंदर चलेगी, शहद से चिपक जाएंगी और मरेंगी तो वैसे ही, और शहद भी हमारा ख़राब होगा। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4, किसानों का दुश्मन जीव जिसे गाय की बहन कहते हैं वो कौन सा है। पहला ऑप्शन नील गाय, फिर खरगोश, फिर हिरन, फिर कुत्ता। तो किसानों का दुश्मन जीव है नील गाय। ये जो नील गाय है ये जंगली जानवर है, और ये क्या होता है, झुंड के साथ खेत में घुस जाता है और किसान की फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देता है, उसे पूरा नुकसान पहुंचाता है। तो इसे किसानों का दुश्मन जीव कहते हैं। इस पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। हमारा प्रश्न नंबर 5, भेड़ों का झुंड क्या कहलाता है। भेड़ों के झुंड को आप क्या बोलते हैं? पहला समूह, दूसरा रेवड़, तीसरा वर्ग और चौथा कोई नहीं। तो भेड़ों का झुंड होता है रेवड़। क्या कहलाता है? रेवड़। इस पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। हमारा अगला प्रश्न, डैश की खाल में भेड़िया मुहावरे में से किस जीव का नाम है। तो बताइए, हम ऐसे ऑप्शन इसमें रखते जाते हैं, शेर की खाल में भेड़िया गलत, हाथी की खाल में भेड़िया गलत, हिरण की खाल में भेड़िया गलत, भेड़ की खाल में भेड़िया मुहावरा हमारा जो है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जीव आएगा? भेड़ आएगा, ये वाला, भेड़ की खाल में भेड़िया। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7, कौन सा युग्म गलत है। युग्म क्या होता है? जोड़ा, पेयर, जिसे आप इंग्लिश में पेयर बोलते हो, और वो हमने गलत बताना है, हमने छांटने हैं। कौन सा? 3 ठीक है, 1 गलत है। देखें, पहला है भेड़ मेमना, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, ठीक है। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, ठीक है। गाय का बच्चा जो होता है वो बछड़ा कहलाता है, ये भी ठीक है। लेकिन जो बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे को बिल्ली का बच्चा बोलते हैं, बिलाव नहीं बोलते। तो ये हमारा गलत है, युग्म गलत है, यानी जोड़ा गलत है। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। अब हमारा अगला प्रश्न, एक छोटा सा जीव है जो अधिकतर कतार में चलता है। कतार यानी लाइन में, चीटी चीटी ऐसे चलती है ना लाइन में, ठीक। तो वो अपने खास एंटीना से मीठी ही चीज़ें जो हैं, तली हुई चीज़ें हैं, चाहे कोई अनाज हो, कुछ झट से सूंघ लेती हो, कि सूंघने की पावर बहुत तेज होती है किसकी, वो देखते हैं हम कौन है। पहला है तिलचट्टा, दूसरा है चीटी, तीसरा छिपकली, चौथा चूहा। अब सबको पता है कि आपके घर में कौन, जब मीठा रखा होता है कौन भागा भागा आता है, वो कौन है? बिल्कुल सही सोचा आपने, वो है चींटी। चींटी की जो सूंघने की पावर है, स्मेल पावर है, वो बहुत ही फास्ट है। तो हम चींटी पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। तो बच्चों, इसी पाठ में हम इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको अगले पाठ का समझाऊंगी।